सन 1931 में संत बाउस्टीना को बार बार दर्शन देकर बताया, लोगों को बताओ कि वे मेरे करुणा की ओर आए। और ये भी बताया कि यीशु का दोबारा आगमन में पहले यीशु दया का राजा के रूप में इस धरती पर प्रकट होगा। और जो लोग यीशु का करुणा का फाटक से प्रवेश नहीं करते हैं, उसको न्याय का फाटक से प्रवेश करना पड़ेगा। और वह वक्त कठिन है और बहुत कम लोग उसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम इस नोवेना का माध्यम से अपने आप को यीशु का करुणा में हृदय में समर्पित करेंगे और हम भक्ति भाव से नौ दिन ही नोवेना करेंगे। आठवां दिन मुख्य उद्देश्य शोधक अग्नि में बंधक आत्माओं के लिए। प्रभु यीशु ने संत फाउस्टीना से कहा, आज उन आत्माओं को मेरे पास लाओ जो शोधक अग्नि में बंधक हैं, उन्हें मेरे दया के सागर से प्रवाह करो। मेरे लहू की वेग धारा उनको झुलसाती अग्नि में शीतलता प्रदान करेगी। ये सब आत्माएं मुझे बेहद प्रिय हैं, ये मेरे न्याय का प्रतिफल भोग रही हैं। इन आत्माओं को सहायता प्रदान करना आपका कर्तव्य है। कलीसिया के सारे दंड मोचनों का उपयोग इन्हें बचाने के लिए करो। यदि तुम इनके दर्द को जानते तो इनके लिए भिक्षा दान और न्याय के ऋण की क्षमा के लिए निरंतर प्रार्थना करते। आइए हम शोधक अग्नि में बंधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो दिव्य न्याय भोग रहे हैं। यीशु का पवित्र रक्त उनकी पीड़ा समाप्त कर दे। प्रभु यीशु से प्रार्थना। हे अति दयालु यीशु, आपने कहा मेरे स्वर्गीय पिता के समान दयालु बनो। सभी मृतक विश्वासियों की आत्माएं जो शोधक अग्नि में दुख भोग रही हैं, उन्हें अपने अति दयावान हृदय में स्वीकार कीजिए। उनको सारी दंडाज्ञा से मुक्ति प्रदान कीजिए। अपनी हृदय से बहती पवित्र रक्त व जल की धारा से शोधक अग्नि की ज्वाला बुझा दीजिए, जिससे वहां भी आपकी दया की महिमा हो। आमीन। आइए हम करुणा की माला विनती करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक का हर आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, सर्व पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके अलावा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म लिया और किस रात उसके समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, देखो उसने उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा दे के पर विश्वास करती हूँ। आमीन। शाश्वत पिता, हम अपने तथा सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे नाथ रक्षक और आपके प्रिय पुत्र यीशु के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता आपको चढ़ाते हैं। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन
दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु कहती कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे नाथ रक्षक और आपके परम प्रिय पुत्र यीशु के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता आपको चढ़ाते हैं। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे नाथ रक्षक और आपके परम प्रिय पुत्र यीशु के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता आपको हम चढ़ाते हैं। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे नाथ रक्षक और आपके परम प्रिय पुत्र यीशु के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता आपको हम चढ़ाते हैं। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे नाथ रक्षक और आपके परम प्रिय पुत्र यीशु के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता आपको हम चढ़ाते हैं। यीशु के अति कठिन दुख
हम पर सारे दुखों से संपत्ति दया कर सुखाती कठिन दुखों के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर सुखाती कठिन दुखों के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर सुखाती कठिन दुखों के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर सुखाती कठिन दुखों के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर सुखाती कठिन दुखों के प्रति हम पर दिव्य दया सृजनहार के सर्वश्रेष्ठ गुण मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्मा के अनंत प्रेम में मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पिता ईश्वर जिसका उद्गम है मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ गुण मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमारी समझ के परे रहस्य मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया अति पवित्र त्रिएक ईश्वर के रहस्य से बहने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया मनुष्य एवं स्वर्गदूतों की बुद्धि से परे मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया संपूर्ण जीवन और आनंद के मूल स्रोत मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया स्वर्ग से अधिक चाहनीय मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया चमत्कार और अचरज के स्रोत मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया सारे विश्व को घेरने वाले मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया शरीरधारी शब्द के रूप में पृथ्वी पर अवतरित मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया यीशु के चेतित हृदय से बहने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमें और विशेष रूप से पापियों को यीशु के हृदय से मिलाने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र परम प्रसाद की स्थापना में मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र कलीसिया की स्थापना में मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र बपतिस्मा संस्कार में मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पाप स्वीकार संस्कार में मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया यीशु में हमारी धार्मिकता एवं पवित्रता मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया यीशु में हमारी धार्मिकता मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमारी संपूर्ण जीवन में साथ रहने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया विशेष रूप से मृत्यु के समय हमें आलिंगन करने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया अनंत जीवन प्रदान करने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमारे जीवन में हर क्षण साथ निभाने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमें नरक की अग्नि से बचाने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया कठोर हृदय पापियों का मन परिवर्तन करने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ।
दिव्य दया ईश्वर के सब रहस्यों में से अति रहस्यमयी। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया सब विपत्तियों से मुक्ति देने वाली। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया सब आनंद और प्रसन्नता का स्रोत। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमें शून्य से अस्तित्व दिलाने वाली। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया समस्त ईश्वरी सृष्टि का मुकुट। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिसमें हम प्रवाहित किए गए। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखित हृदय की मधुर राहत। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया निराशा आत्मा की एकमात्र आशा। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया भय के क्षण हृदय का विश्राम। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्माओं का आनंद और उल्लास। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र प्रेरणादायी आशा। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है। हमारे सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है। हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है। हम पर दया कर। हे शाश्वत ईश्वर जो अनंत दया और करुणा का असीम खजाना है, कृपा करके हम पर दया दृष्टि डाल और हमें अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम कठिन क्षणों में हताश व उदास ना हो, बल्कि पूरे भरोसे के साथ अपने आप को आपकी पवित्र इच्छा को समर्पित करें, जो प्रेम और दया है। आमीन। समापन प्रार्थना। हे शाश्वत परम पिता, अपनी करुणामय दया दृष्टि शोधक अग्नि की आत्माओं पर डाले। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं अति पवित्र हृदय की पीड़ा द्वारा उन सबों पर दया करें जो आपकी दत्ताज्ञा इस समय शोधक अग्नि में भोग रही हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र घावों द्वारा उन पर दया दृष्टि कीजिए, जिससे वे भी आपकी दया की महिमा कर सके। आपकी भलाई और दया का अंत कभी नहीं होता है। आमीन।